गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो. माई सेल्फ डॉक्टर के सी सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, एफिलिएटेड टू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बी कॉलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन बिहाफ ऑफ माई डिपार्टमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ माई कॉलेज, I welcome to all of you in this lecture series of entomology. Today I will deliver my talk on respiratory system of insects. जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा एंटोमोलॉजी की एक स्पेशल लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है. आज की इस व्याख्यानमाला के संदर्भ में मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आपसे चर्चा करूँगा. अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके टोटल तीन लेक्चर डिलीवर होंगे, जिसमें एक तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो मैं आज आपसे चर्चा करूँगा. इसके अलावा एक्वेटिक इंसेक्ट जो होते हैं, जलीय जो कीट हैं, उनके अंदर श्वसन क्रिया कैसे संपादित होती है. इसके अलावा कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, कुछ इंसेक्ट एक्टोपैरासाइट के रूप में हैं, कुछ एंडोपैरासाइट के रूप में हैं, उन कीटों के अंदर रेस्पिरेशन क्रिया कैसे संपादित होती है. तो ओवरऑल इस टॉपिक के तीन व्याख्यान जो है वो बनेंगे, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक इंसेक्ट्स और रेस्पिरेशन इन पैरासिटिक इंसेक्ट्स. तो आज के इस व्याख्यान में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में जो होता है, जिसको ट्रेकियल सिस्टम भी अपन बोल सकते हैं, इसकी मूलभूत जो स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो इसकी आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं, और ट्रेकियल सिस्टम का अपना एक क्लासिफिकेशन भी है स्पाइरिकल्स की संख्या के आधार पर, उफ्स ओपनिंग के आधार पर, तो उन सभी पहलुओं को टच करते हुए मैं आज का व्याख्यान ये कवर करूँगा. अब अपने ह्यूमन में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो अपनी बॉडी में तो देखा होगा कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आरबीसी के द्वारा होता है, और आरबीसी के अंदर चूँकि हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा बॉडी की हर सेल्स तक पहुँचने के लिए ब्लड जो है वो एक तरह का मिडिलमैन का भी कार्य करता है. तो अपने ह्यूमन के अंदर, मैमल्स के अंदर, एक तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट का यूज होता है, इसके अलावा फ्लूड कनेक्टिव मीडियम के रूप में ब्लड का यूज होता है. अब इंसेक्ट में इस तरह के कोई ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट नहीं है कोई, इसके अंदर हालांकि होता है हीमोसाइनिन होता है इंसेक्ट में, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई इस कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा इसमें ब्लड का जो मिडिल मैन का जो भूमिका है वो यहाँ पर इन इंसेक्ट्स में संपादित नहीं होती है. तो दो बातों में ये सिस्टम जो है, इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मैमल के सिस्टम से डिफरेंट है. अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में चार मुख्य रचनाएं होती है, या यूँ कहें कि इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चार रचनाओं का बना होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ फोर स्ट्रक्चर्स. इसमें पहली जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है ट्रैकी. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रैकी. सेकेंड जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है ट्रैकियोल. थर्ड जो स्ट्रक्चर है ये होती है इसमें एयर सैक, और चौथी जो स्ट्रक्चर है वो इसमें होती है स्पाइरिकल. सो इन इंसेक्ट दिस ट्रैकियल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट ट्रैकी हो गया, सेकंड कंपोनेंट ट्रैकियल हो गया, थर्ड कंपोनेंट एयर सैक हो गया, और फोर्थ कंपोनेंट स्पाइरिकल्स हो गया. हालांकि इस सिस्टम की जो स्टार्टिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो स्पाइरिकल से होती है, लेकिन स्पाइरिकल की स्ट्रक्चर में लास्ट में लूँगा. उससे पहले मैं ट्रैकी की रचना आपको बताऊंगा,
ट्रैक्यूल क्या होती है, एयर सैक क्या होती है, और लास्ट में फिर स्पाइरिकल्स क्या है, स्पाइरिकल्स की कितनी टाइप है, इनकी ओपनिंग क्लोजिंग है वो कैसे होती है। तो इसकी फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रैकी। अब ये जो फिगर मैंने दिखाया, एक ये पूरे एक सेगमेंट का ट्रैकियल सिस्टम मैंने दिखाया। तो इस फिगर में आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, ये सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें स्पाइरिकल, ये बॉडी में लेटरल साइड में, इनसाइड के लेटरल साइड में, यानी डॉर्सल सरफेस पे तो टर्गम होगा, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम होता है, और लेटरल साइड में प्लूरोन होती है, उससे प्लूरोन के अंदर स्पाइरिकल इसकी ओपनिंग होती है। तो इसकी जो फर्स्ट बिगनिंग है वो है स्पाइरिकल। स्पाइरिकल के जस्ट नीचे एक खाली स्पेस है, खाली कैविटी होती है, इस पार्ट को बोलते हैं एट्रियम। इसके बाद में ये ट्रैकी है, ट्रैकी की स्ट्रक्चर है। इसके बाद में कुछ जगह ये डायलेट हो जाती है और बैलून के समान गुब्बारे नुमा रचनाएँ बन जाती है, इनको बोलते हैं एयर सैक। और जो जो ये ट्रैकियल सिस्टम आगे कोशिकाओं तक पहुँचेगा, इसकी ब्रांचिंग होती जाती है, रीब्रांचिंग होती जाती है, और जो जो ब्रांचिंग होगी इसका डायमीटर कम होता जाएगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ती जाएगी, और काइटिन का जो सपोर्ट होता है भीतर की तरफ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यहाँ पर ये स्पाइरिकल हो गया, उसका दिन ट्रैकी होगी, फिर एयर सैक हो गया, लास्ट में जो माइन्यूट ब्रांचेज हैं ये ट्रैक्योल्स हैं। अब इस ट्रैकी की जो ऑरिजिन है ये स्किन के इन्वेजिनेशन से होती है, स्किन के अंतर्वलन से होती है, या यूँ कहें कि ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन है। अब इंटेगमेंट्री सिस्टम आपको जैसे मैंने बताया, आपको याद होगा कि स्किन में जैसे सबसे ऊपर जैसे क्यूटिकल होती है, अब यहाँ पर क्यूटिकल भीतर की तरफ होगी क्योंकि स्किन के इन्वेजिनेशन से बन रही है। तो स्किन में बाहर क्यूटिकल है तो इसके भीतर क्यूटिकल होगी, और जो लेयर स्किन में होती है वही लेयर इसमें मिलेगी, केवल उनकी सीक्वेंस जो है उल्टी हो जाएगी। अब बॉडी के हर सेगमेंट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, यानी लार्वा है, प्यूपा है, अडल्ट है, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर क्या होगा, हर सेगमेंट का अपना अपना ट्रैकियल सिस्टम होता है, जैसे थोरक्स का ट्रैकियल सिस्टम है, एब्डोमन का ट्रैकियल सिस्टम, प्रोथोरेक्स का ट्रैकियल सिस्टम, मीजोथोरेक्स का ट्रैकियल सिस्टम, मेटाथोरेक्स का ट्रैकियल सिस्टम, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट का ट्रैकियल सिस्टम। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में तो क्या होगा, हर सेगमेंट का अपना अपना इंडिविजुअल ट्रैकियल सिस्टम होता है, और हर ट्रैकियल सिस्टम बॉडी के बाहर स्पाइरिकल्स के द्वारा खुलता है। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, यानी प्यूपल स्टेजेस जब अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हर सेगमेंट के जो इंडिविजुअल ट्रैकियल सिस्टम है वापस में लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स के द्वारा भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो यदि आप डायग्राम के द्वारा या डिसेक्शन करके देखो, है मान लो किसी प्यूपा का डिसेक्शन करके देखो, किसी अडल्ट का डिसेक्शन करके देखो, तो आपको दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क जो है वो नज़र आएगा। तो अडल्ट में क्या होगा, हर सेगमेंट के जो इंडिविजुअल ट्रैकियल सिस्टम है वो लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स के द्वारा आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल चैनल है, डोर्सल सरफेस भी होते हैं उनको डोर्सल चैनल के नाम से जाना जाता है, वेंट्रल सरफेस भी होते हैं उनको वेंट्रल चैनल के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में पूरा ट्रैकियल सिस्टम एक कंप्रेसेबल एक सिस्टम के रूप में जो है वो देखा जाता है। तो एक तो ये चेंजिंग होती है, इसके अलावा आर्थ्रोपोडा में जैसे क्लासेज हैं, क्रस्टेशिया है जैसे एरेक्निड्स है, एरेक्निड में स्पाइडर्स वगैरह आती है, इसके अलावा इंसेक्टा है, मीरियापोडा है, अब इन सभी क्लासों में रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स भी पाए जाते हैं, ट्रैकियल सिस्टम भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें अपना इंडिविजुअल ट्रैकियल सिस्टम है वो डेवलप हुआ है। अब ये कैसा हुआ है, ये एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है, एक ये फिलोजेनिक एस्पेक्ट है कि हर क्लास के अंदर ट्रैकियल सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई, ट्रैकियल सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लेकिन इंडिविजुअल डेवलपमेंट हुआ है, इनका कोई कॉमन एंसेस्ट्रल स्ट्रोक है वो इसके अंदर नहीं है। अब इसके अंदर इस सेक्शन में आप जैसे देख रहे हो, स्किन में जैसे सबसे भीतर बेसल लेमिना होती है, यहाँ पर सबसे बाहर बेसल लेमिना है, इसके नीचे एपिडर्मिस है यानी एपिथीलियम, इसके नीचे एंटीमा है, एंटीमा यानी क्यूटिकल का आवरण, इसमें जो क्यूटिकल की जो लेयर है उसको इंटीमा बोलेंगे, और इंटीमा जो होती है ये
काइटिन की जैसे स्पाइरल रिंग जैसे होती है। मान लिया आपके पास कोई लोहे का तार हो और उस लोहे को तार को आप हैं यूँ ऐसे लपेट लो, जैसे बॉल पेन में जैसे स्ट्रिंग होती है उस तरह की यदि आप इसकी डिज़ाइन बना लो तो उस तरह की स्पाइरल कोयलिंग जो होती है वो इस ट्रैकी के अंदर पाई जाती है। और ये जो स्पाइरल रचनाएँ हैं ये टेनिडियम के नाम से जानी जाती है और ये टोटली काइटिनस बनी है, टोटल स्ट्रक्चर है काइटिन की बनी होती है। अब ट्रैकी में जब ये स्पाइरल रचना जब बन जाएगी तो एक तरह से ट्रैकी को एक तरह से यांत्रिक आलंबन प्रदान होता है। इन टेनिडियम के कारण क्या होगा, ट्रैकिया पिचकेगी नहीं है, चाहे आप इसमें डोर्सो वेंट्रली चाहे इसको कंप्रेस कर दो है, चाहे इनको ट्रांसवर्सली कंप्रेस कर दो, इन ट्रैकिया के कारण इन टेनिडियम के कारण ट्रैकी जो होती है वो पिचकती नहीं है और इनका जो डायमीटर होता है वो सर्कुलर बना रहता है या इलिप्टिकल बना रहता है। जैसे अपनी बॉडी में ट्रैकिया है इसमें भी है कार्टिलेज की जैसे रिंग होती है सी के आकार की, अब वैसे देखें तो ट्रैकिया बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है, कंप्रेसेबल है, लेकिन ट्रैकिया ये कार्टिलेज रिंग होने के कारण क्या है इसका ट्रैकिया का पिचकने से बचाव हो जाता है। तो यहाँ पर यह जो टेनिडियम है ये एक तरह से इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, इसको कंप्रेस होने से बचाती है, इसको पिचकने से बचाती है। अब ये ट्रैकी जो जो आगे चलेगी इनका डायमीटर कम होता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पाइरल कॉइलिंग थी ये स्पाइरल कॉइलिंग यहाँ पर आते आते ये सर्कुलर कॉइलिंग में बदल जाती है, यानी वर्ताकार छल्ले के रूप में, रिंग के रूप में, पूरी स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। आगे की जो ब्रांचेज है इसमें ये काइटिन की रिंग तो मिलेगी लेकिन ये स्पाइरल कॉइलिंग के रूप नहीं है बल्कि छोटे छोटे छल्लों के रूप में है, छोटे छोटे रिंग के रूप में है और इन रिंग की वजह से ये ब्रांचेज जो होती है वो पिचकने से बच जाती है। लेकिन फाइनल जो ब्रांचेज आएगी आगे जो ट्रैकियल जो होती है ये बहुत ही सूक्ष्म होती है और ये जो शाखें हैं वो ट्रैकियल एंड सेल में जाके समाप्त होती है और इनके द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई है वो डायरेक्ट कोशिकाओं तक मान लो या ऑर्गेन्स तक मान लो वहाँ तक हो जाती है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज ट्रैकियोल, ट्रैकी के बाद में ट्रैकियोल, ट्रैकियोल से पहले इसका मैं जो ट्रांसवर्स सेक्शन में अरेंजमेंट कैसे होता है वो मैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम के जैसे आपको जैसे मैं बता दूँ। सपोज ये मान लीजिए स्पाइरिकल है सपोज दोनों साइड के है, मान लीजिए थोरेक्स का सेगमेंट है सपोज मीजो थोरेक्स है मान लो, तो मीजो थोरेक्स के एक लेफ्ट साइड में एक स्पाइरिकल है राइट साइड में एक स्पाइरिकल है, तो ये दोनों तरफ के स्पाइरिकल है, इसको जैसे मैं एलएस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यानी लेफ्ट साइड का स्पाइरिकल, इसको मैं आरएस के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यानी राइट साइड का स्पाइरिकल्स। अब इस स्पाइरिकल के नीचे ये खाली स्पेस है, इसी तरह इस स्पाइरिकल के नीचे ये खाली स्पेस है। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर डोर्सल साइड में जैसे ब्रांचेस बनेगी इसी तरह वेंट्रल साइड में ब्रांचेस बनेगी, इसी तरह इसमें भी डोर्सल साइड में ब्रांचेस बनेगी वेंट्रल साइड में ब्रांचेस बनेगी और लेटरल साइड में भी ब्रांचेस बनेगी। इसको मैं डीबी के नाम से दे रहा हूँ डोर्सल ब्रांच, इसको मैं वीवी नाम लिख रहा हूँ वेंट्रल ब्रांच और इसको मैं एलबी के रूप में यानी लेटरल ब्रांच। अब ये जो डोर्सल ब्रांचेस हैं वेंट्रल ब्रांचेस हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल चैनल के द्वारा कनेक्ट हो जाती है, तो डोर्सल सरफेस की जो ब्रांच है वो डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। अब ये चैनल इसलिए होगा पूरी बॉडी में आगे से पीछे, डोर्सल ट्रंक, डोर्सल सरफेस में एक जोड़ी ट्रंक है इसी तरह वेंट्रल सरफेस में एक जोड़ी ट्रंक है, तो ये डोर्सल चैनल, इसको मैं शॉर्ट में डीसी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसी तरह वेंट्रल सरफेस पे ये वेंट्रल चैनल, इसको मैं वीसी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये डोर्सल चैनल जो होता है
ये आपस में डॉर्सल कमीशन के द्वारा कनेक्टेड रहता है. दिस इज डॉर्सल कमीशन. इसी तरह वेंट्रल चैनल जो होता है ये वेंट्रल कमीशन के द्वारा कनेक्ट रहता है. और ये जो लेटरल साइड जो होती है ये एलिमेंट्री कैनाल और उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, उसके साथ ये कनेक्टेड रहती है. तो जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि पूरी जो हीमोसील होती है वो तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाती है. डोर्सल सरफेस पे पेरिकार्डियल साइनस, वेंट्रल सरफेस पे पेरिन्यूरल साइनस और बीच के अंदर पेरिविसरल साइनस. पेरिकार्डियल साइनस है उसके अंदर डोर्सल वेसल्स होती है यानी हार्ट की जैसी स्ट्रक्चर. पेरिविसरल साइनस में एलिमेंट्री कैनाल और विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं. और पेरिन्यूरल साइनस जो होता है उसके अंदर इसका नर्वस सिस्टम होता है, वेंट्रल नर्व कोर्ट होती है. अब ये जो डॉर्सल ब्रांचेज जो हैं ये डॉर्सल सरफेस की जितनी भी संरचनाएं हैं, चाहे वो टर्गम हो, चाहे वो डॉर्सल डायफ्राम हो, चाहे वो डॉर्सल ओरेटा हो, चाहे हार्ट हो, यानी एनिमल की, इंसेक्ट की पृष्ठ सतह पर जितनी भी रचनाएं पाई जाएगी उन सबको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम इन डॉर्सल ब्रांच के द्वारा होगा. इसी तरह लेटरल ब्रांच जो होती है ये पेरिविसरल साइनस में होती है. और पेरिविसरल साइनस में मेनली आहार नल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है. इसके अलावा और जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम की संरचनाएं हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संरचनाएं हैं, उन सभी अंगों को ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है. इसी तरह वेंट्रल ब्रांच जो होती है ये पेरिन्यूरल साइनस में देखने को मिलेगी. और वेंट्रल सरफेस पे चूँकि लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्ट होता है यानी नर्वस सिस्टम, तो उस नर्वस सिस्टम और उससे एसोसिएटेड जितनी भी रचनाएं होती है उसको ये ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है. तो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान तो इस तरह का इंडिविजुअल सिस्टम मिलेगा. यानी जैसे ये फिगर मान लो लेफ्ट साइड के, लेफ्ट साइड का है, तो इसी तरह का एक फिगर और बनेगा राइट साइड का. मान लीजिए सपोज प्रोथोरेस के अपन जिक्र करें तो ये मान लीजिए प्रोथोरेस के लेफ्ट साइड का जैसे ट्रैकियल सिस्टम है, इसी तरह का सिस्टम प्रोथोरेस के राइट साइड में भी होगा. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान तो हर सेगमेंट का अपना अपना ट्रैकियल सिस्टम है, वो इंडिविजुअल होता है. लेकिन अडल्ट में क्या होगा, हर सेगमेंट के ट्रैकियल सिस्टम आपस में लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स के द्वारा कनेक्ट हो जाएंगे. और ये चैनल डॉर्सल सरफेस पे बनते हैं, उनको डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल चैनल का नाम दिया जाता है. इसी तरह वेंट्रल सरफेस पे चैनल बनते हैं, उनको वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स का नाम दिया जाता है. और पूरी बॉडी का फिर ट्रैकियल सिस्टम है वो एक जाल के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में है, वो एस्टेब्लिश हो जाता है. और इन सब का फिर कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, हॉर्मोन्स के द्वारा होता है, एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट के पॉल्यूशंस हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो कई फैक्टर हैं उनके द्वारा इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो कंट्रोल होती है. तो ये एक सेगमेंट का ट्रांसफर सेक्शन में जैसे ये दिखा है. और ये पूरा सिस्टम जो होगा ये डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर काइटिन का ये नेटवर्क है, काइटिन की इसके अंदर स्पाइरल कॉइलिंग है. इसके कारण जितनी भी ट्रेकिया होगी वो पृष्ठ अधर रूप से कंप्रेस नहीं होती है, चिपकती नहीं आपस में, चाहे कितना ही आप प्रेशर लगा लो. लेकिन लॉन्गिट्यूडनली इनके अंदर स्ट्रेचिंग हो सकती है. जो कई बार क्या होता है कि जैसे ब्लड चूसने वाले जो इंसेक्ट है, अब ये इंसेक्ट काफ़ी मात्रा में ब्लड को एक साथ पीते हैं, उस केस में इनका क्या होगा, एब्डोमन जो होता है लंबा हो जाता है, क्योंकि ब्लड फिलअप के कारण क्या है, फिल्टर चैम्बर ब्लड से भर जाएगा. और ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में इनमें एक्सटेंशन हो सकता है और उसके कारण क्या होगा, इसमें स्ट्रेच कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है. और इंसेक्ट की लंबाई बिफोर फीडिंग मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की है, तो ब्लड फीड करने के बाद में उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तक हो जाती है. उसमें एब्डोमन के जो सेगमेंट है वो इलोंगेट हो जाएंगे, क्योंकि एब्डोमन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी टेलीस्कोपिक टाइप का होता है. इंसेक्ट जब रेस्ट करता है तो आपको केवल 8 सेगमेंट ही दिखाई देंगे, लेकिन फीडिंग के बाद में जब पूरा एब्डोमन एकदम पूरा जब इविजिनेट हो जाएगा, पूरा इलोंगेट हो जाएगा, उसमें उनके जो बॉडी के लास्ट के जो 9वें 10वें 11वें सेगमेंट हैं वो भी क्लियर कट जो होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं. तो ये तो इसकी पहली जो बेसिक आर्किटेक्चर ट्रेकी. अब इसके बाद फिर ट्रैक्यूल. अब ट्रैक्यूल है ये एक तरह से ट्रैकियल सिस्टम की टर्मिनल ब्रांचेज है, ये मान के चलो.
ज्यों ज्यों ट्रैकल सिस्टम आगे जाएगा इसमें ब्रांचिंग होती जाती है, रीब्रांचिंग होती जाती है, क्योंकि इस सिस्टम का मेन मकसद होता है कि हर सेल के साथ, बॉडी के हर ऑर्गेन के साथ कॉन्टैक्ट बने और उसमें डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए। इसी तरह पंखों में जो सिराएँ होती है उन सिराओं में भी इन ट्रैकल की ब्रांचेस कनेक्ट रहती है, क्योंकि पंखों को भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है। यदि पंखों को आप क्रॉस सेक्शन काट के तो उसको माइक्रोस्कोप में आप देखो तो पंखों की सिराओं में जो बेसल जो ओरिजिन है वहाँ पर आपको नर्व दिख जाएगी, है वहाँ पर आपको ट्रैकल सप्लाई है वो दिख जाएगी, वहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई है, हीमोलिम्फ की सप्लाई है वो दिख जाएगी। तो ये ट्रैकल जो है ये फाइनल ब्रांचेज होती है। इस फिगर में आप देख रहे हो इनका डायमीटर कम हो गया है और ये एंड सेल होती है, ट्रैक्यूल एंड सेल्स। इन ट्रैक्यूल एंड सेल में जो फ्लूड भरा रहता है उसको ट्रैक्यूलर फ्लूड बोलते हैं, और इस फ्लूड के कारण डिफ्यूजन विधि के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा और जो कोशिकाएँ होती है उनमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो विसरण दाब में डिफरेंस के कारण, डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रेकिया से कोशिकाओं में चली जाती है और कोशिका में CO2 जो होती है वो ट्रेकिया में चली जाती है। अब इसमें जो स्पाइरिकल जो खुलेंगे वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के समय खुलते हैं। कुछ इंसेक्ट में जब मॉल्टिंग होती है, निर्मोचन होता है, उसी समय स्पाइरिकल खुलते हैं, क्योंकि स्पाइरिकल खुलते हैं तो वाटर लॉस भी होता है। और इंसेक्ट का ये मकसद रहता है कि शरीर का जो फ्लूड है, शरीर की जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहे, वाटर लॉस मिनिमम हो, इसलिए एट्रिया जो होते हैं, स्पाइरिकल जो होते हैं बहुत ही थोड़े समय के लिए खुलते हैं। और इनमें जब निर्मोचन होता है, मॉल्टिंग होती है तो उसमें ये भीतर की जो इंटीमा होती है ये भी उतरती रहती है, इसमें भी पीरियोडिक स्लफिंग होती रहती है और पुरानी क्यूटिकल स्पाइरिकल खुलते हैं तो उसके साथ वो बाहर निकल जाती है, नीचे से नई क्यूटिकल है वो आती रहती है। तो एक तरह से रिपेयर मान लो, एक तरह से रीजनरेशन मान लो, एक तरह से रिपेयरिंग सिस्टम मान लो, वो सिस्टम इस ट्रैकल सिस्टम में है पाया जाता है। अब तीसरा जो पार्ट है इसमें एयर सैक। एयर सैक क्या होगा, इस ट्रैकिया में कुछ जगह ऐसी होती है जो बैलून के समान रचनाओं में फूल जाती है, इनके अंदर काइटिन का आवरण नहीं होता है, क्यूटिकल का आवरण नहीं होता है और इनकी जो आकृति है वो गोलाकार भी हो सकती है, इलिप्टिकल भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है। और ये एयर सैक उन इंसेक्ट में ज़्यादा डेवलप मिलेंगे जो फास्ट फ्लायर्स हैं, उड़ते बहुत ज़्यादा हैं, लंबी दूरी तक माइग्रेशंस करते हैं, इसलिए जिनमें स्टोरेज हाउस होता है या जो ब्लड फीडिंग करते हैं। तो इस एयर सैक के कई फायदे हैं, इसमें कई तरह का इसका बेनिफिट है इंसेक्ट को। तो स्टोर हाउस के रूप में ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं, एयर को स्टोर करने में काम में आते हैं, इसके अलावा इनकी जो बायंसी होती है, उत्प्लावकता जो होती है वो इसमें कम हो जाती है। इस एयर सैक में वायु भरने का इंसेक्ट जो होते हैं हल्के हो जाते हैं और फ्लाइट में इनको हेल्प मिलती है। तो जितने भी फास्ट फ्लायर होंगे, जितने भी लंबी दूरी के जो फ्लायर होंगे, जितने भी माइग्रेटरी इंसेक्ट्स होंगे उनके अंदर एयर सैक विकसित होता है, स्लो फ्लायर जो होते हैं उनके अंदर एयर सैक जो है ज़्यादा विकसित नहीं होता है। और इसके बाद में जो लास्ट जो पार्ट है इसका, दैट इज स्पाइरिकल। और स्पाइरिकल जो होते हैं ये इंसेक्ट में दो तरह के होते हैं, एक तो इसमें होते हैं सिंपल टाइप के और दूसरे जो स्पाइरिकल है इसमें वो होते हैं एट्रिएट टाइप, सिंपल टाइप और एट्रिएट टाइप। एट्रिएट टाइप के जो स्पाइरिकल्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो लिप टाइप यानी होठ वाले और एक होते हैं वाल्व वाले। तो स्पाइरिकल जो है वो दो तरह के हो जाएंगे, सामान्य प्रकार के और एट्रिएट प्रकार के। एट्रिएट टाइप के जो स्पाइरिकल है भी दो तरह के होते हैं, एक तो हॉट वाले लिप टाइप के और एक वाल्व वाले। इन दोनों स्पाइरिकल्स का डायग्राम मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके जैसे बताऊंगा, इनकी क्लोजिंग कैसे होती है,
बंद कैसे होता है, और स्पाइरिकल की जो संख्या है वो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह की होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्पाइरिकल्स खुले हों, तो उस बेसिस पे इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन भी है। तो ये दो एस्पेक्ट में अभी इसमें कवर करूँगा, और एक्वेटिंग इंसेक्ट में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये अपना अलग व्याख्यान रहेगा, परजीवी इंसेक्ट में कैसे होता है ये अपना व्याख्यान अलग रहेगा। ये स्पाइरिकल्स के बारे में, तो अभी जैसे मैंने बताया कि इनका जो ट्रेकियल सिस्टम होता है, सारा ट्रेकियल सिस्टम बॉडी के लेटरल साइड में स्पाइरिकल्स के द्वारा बाहर खुलता है, और स्पाइरिकल की पोजीशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ केस में स्पाइरिकल प्लूरोन में होते हैं, कई बार डॉर्सल सरफेस भी मिलते हैं, कई बार वेंट्रल सरफेस भी मिलते हैं। तो इंसेक्ट के अंदर स्पाइरिकल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल टाइप के या सामान्य प्रकार के, और दूसरे जो होते हैं ये कहलाते हैं एट्रिएट टाइप के। और एट्रिएट टाइप के जो स्पाइरिकल है ये भी दो तरह के मिलेंगे, एक तो होटो वाले या लिप टाइप, और एक होते हैं वाल वाले या वाल्यूलर। ये तीनों के फिगर जैसे मैंने यहाँ दिखाए हैं, ये सिंपल टाइप का स्पाइरिकल है, ये लिप टाइप के स्पाइरिकल है, ये वाल्व टाइप के स्पाइरिकल है। सिंपल टाइप के जो स्पाइरिकल होते हैं इसमें ट्रेकिया डायरेक्ट प्लूरोन की मेम्ब्रेनस एरिया में सूक्ष्म छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, इसमें किसी प्रकार की कोई वाल्व्यूलर मैकेनिज्म नहीं पाई जाती है, इसमें किसी प्रकार की कोई जैसे कोई सिस्टोल डायस्टोल उस तरह की परिघटना यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन इनका डायमीटर जो होता है बहुत कम होता है, और बहुत कम डायमीटर होता है तो इसके अंदर ऑक्सीजन की एंट्री और CO2 की इजेक्शन है वो आसानी से होती रहती है। जबकि एट्रिएट टाइप के जो स्पेरिकल है ये ज़्यादा एडवांस टाइप के हैं, और एडवांस टाइप के जो इंसेक्ट हैं जैसे ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के जो इंसेक्ट है, ऑर्थोप्टेरा के कीटों में इस तरह की मैकेनिज्म जो होती है पाई जाएगी। लिप टाइप के जो स्पाइरिकल होते हैं इसमें क्या होगा, इंटेगमेंट के एक तरह से लोबोस टाइप की स्ट्रक्चर है, अंगुली जैसे प्रोट्यूबरेंस, उस तरह के दो होट जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ जब मोमेंट करेंगे तो ये लिप एक दूसरे के अटैच हो जाते हैं और स्पाइरिकल बंद हो जाते हैं। ये लिप जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसमें स्पाइरिकल खुल जाते हैं। जिस तरह अपने माउथ के अंदर होठों से जैसे होठ बंद हो गए, होठ खुल गए, तो उस तरह की ये मैकेनिज्म है। तो लिप टाइप के जो स्पाइरिकल होंगे इसमें ये जो पार्ट है ये लिप की स्ट्रक्चर है, और लिप जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो स्पाइरिकल्स बंद हो जाएंगे, और लिप जब एक दूसरे से डिटैच होंगे तो स्पाइरिकल्स खुल जाते हैं, और इसके द्वारा इसमें ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान जो है वो होता रहता है। दूसरे वाल्व टाइप के जो स्पाइरिकल हैं ये थोड़े एडवांस है। वाल्व टाइप में क्या होगा, वाल्व टाइप की मैकेनिज्म पाई जाती है, और इसमें भीतर की तरफ छोटे छोटे प्रोट्यूबरेंस भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट हेयर्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें स्पाइरिकुलर ग्लैंड जो होती है वो भी पाई जाती है, कई बार इसमें रिपंगनेंट ग्लैंड जो होती है वो भी पाई जाती है। तो इन ग्रंथियों के द्वारा लुब्रिकेंट या चिकने पदार्थ का स्राव होता है, और इस चिकने पदार्थ के कारण क्या होगा, जितने भी कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, वो ट्रेकियल सिस्टम के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं। और सूक्ष्म रोमों की उपस्थिति के कारण इसमें एक तरह से फिल्टर चैम्बर का भी ये काम करेंगे, जिस तरह कई एनिमल्स में फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होती है भोजन ग्रहण करने की, तो यहाँ पर बालों की प्रेजेंस के कारण एक तरह से फिल्टर चैम्बर जो होते हैं वो बन जाते हैं, और बाकायदा वायु है वो फिल्टर होकर अंदर प्रवेश करती है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं, पॉलन्स हैं, एंथर्स हैं और कोई सूक्ष्म रचनाएं हैं वो इस चिपचिपे पदार्थ के कारण क्या होंगे, बाहर ही चिपक जाती है और अंदर ट्रेकियल सिस्टम में, ट्रेक्यूल के अंदर वो एंटर नहीं कर पाती है। तो ये स्ट्रक्चर है स्पाइरिकल्स के बारे में। तो स्पाइरिकल दो टाइप के हो गए, सिंपल टाइप और एट्रिएट टाइप। एट्रिएट टाइप स्पाइरिकल ये भी दो तरह के हो गए, लिप टाइप के और वाल्व टाइप के। अब क्वेश्चन है कि इन स्पाइरिकल की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होगी, और उसमें बेसिक आइडिया है कि जब इंस्पायरेशन होगा उसमें ये स्पाइरिकल्स खुलते हैं, क्योंकि गैसों का जब आदान प्रदान होता है उसमें स्पाइरिकल्स खुलते हैं, और उसी दौरान ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर आ जाती है, CO2 है वो अंदर से बाहर चली जाती है।
लेकिन इनके खुलने और बंद होने के लिए मांसपेशियां हैं वो उत्तरदायी हैं, और मांसपेशियों का नियंत्रण जो होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, पर्टिकुलरली चालक तंत्रिका। तो बॉडी के हर सेगमेंट के गैंग्लियन से क्या होगी, मोटर नर्व्स निकलती है, और ये मोटर नर्व्स निकल के फिर बाइफर्केट हो जाती है, जिसमें एक ब्रांच लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड के स्पाइरिकल्स में जाएगी, एक ब्रांच राइट साइड के स्पाइरिकल्स में जाएगी, और प्रत्येक स्पाइरिकल के साथ दो मांसपेशियाँ, दो तरह की मांसपेशियाँ जुड़ी रहती है। एक तो स्पाइरिकल्स को बंद करने वाली, ये तो कहलाती है क्लोजर मसल्स, और स्पाइरिकल्स को खोलने वाली ये कहलाती है ओपनर मसल्स। और जिसमें इंसेक्ट रेस्टिंग स्टेज में होता है, डायपोज की कंडीशंस में होता है, उसमें स्पाइरिकल्स टोटली बंद हो जाते हैं, क्योंकि स्पाइरिकल जब खुलते हैं तो वाटर लॉस भी होता है, और इंसेक्ट का ये मकसद रहता है कि वाटर लॉस कम से कम हो। शरीर के अंदर जितना पानी है, जितनी ह्यूमिडिटी है, जितना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहे, तो मिनिमम वाटर लॉस हो उसके लिए स्पाइरिकल खुलते भी बहुत कम समय के लिए। और कई इंसेक्ट में तो ये जो निर्मोचन होता है, पुरानी क्यूटिकल जब उतरती है उसी दौरान ये स्पाइरिकल्स खुलते हैं, और उसी दौरान ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और वो ऑक्सीजन उनमें लंबे समय तक काम में आती है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है एक स्पाइरिकल्स का, और इसके साथ ये क्लोजर मसल्स हैं, ये ओपनर मसल्स हैं, ये एट्रियम है, और इसके अंदर ये रिजिड बार हैं, ये इसके हिंज जॉइंट हैं, ये मूवेबल बार हैं, ये रिजिड बार हैं। रिजिड बार है ये स्टैटिक होती है, इसके अंदर कोई गतिशीलता नहीं पाई जाती है, जबकि मूवेबल बार जो होती है इसके अंदर मोमेंट पाई जाती है, गति पाई जाती है, और इसके बीच का ये जो खाली जो अपर्चर है, दिस इज़ कॉल्ड एट्रियम। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है एक स्पाइरिकल्स की, बेसिक स्ट्रक्चर, इनकी बेसिक टाइप्स, और इनके खुलने और बंद होने की मैकेनिज्म। अब स्पाइरिकल्स की संख्या अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग है, क्या सारे स्पाइरिकल फंक्शनल हैं, इनकी लोकेशन कैसी होती है, उसकी बेसिस पे इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है स्टैकल सिस्टम का। तो वो क्लासिफिकेशन मैं आपसे शेयर करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ एट्रियम, ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइरिकल्स ट्रैकल सिस्टम इज क्लासिफाइड, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि इंसेक्ट का जब डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर अंडों से जैसे लार्वल स्टेजेस बनेगी, लार्वा से प्यूपल स्टेजेस बनेगी, प्यूपल से फिर एडल्ट स्टेजेस बनेगी, और एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में हर सेगमेंट का अपना अपना इंडिविजुअल ट्रैकियल सिस्टम होता है, और एडल्ट के अंदर ये सभी सेगमेंट के ट्रैकियल सिस्टम आपस में लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, और उस समय एक कंप्लीट ट्रैकियल सिस्टम है वो डेवलप होता है। लेकिन एडल्ट में कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्पाइरिकल है वो फंक्शनल हो, इन स्पाइरिकल की संख्या कितनी होगी, कौन कौन से सेगमेंट के फंक्शनल होंगे, उसकी बेसिस पे उनका बहुत ही एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है। तो टाइप्स ऑफ ट्रैकियल सिस्टम, अब इस ट्रैकियल सिस्टम को तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली टाइप है पॉलीन्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम। अब पॉलीन्यूस्टिक में नाम से स्पष्ट है, पॉली मीन्स मैनी, यानी इस तरह के ट्रैकियल सिस्टम में स्पाइरिकल की संख्या ज़्यादा होगी, और जनरली इसमें स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो 8 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 8 स्पाइरिकल्स, नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स आर मोर देन 8 पेयर्स। सेकेंड टाइप होते हैं इसमें ओलिगोन्यूस्टिक, ओलिगो का कम, इस तरह के ट्रैकियल सिस्टम में स्पाइरिकल की संख्या एक अथवा दो जोड़ी होती है। और तीसरा होता है एन्यूस्टिक, ए मीन्स एबसेंट, इस तरह के सिस्टम में फंक्शनल जो स्पाइरिकल है वो लगभग एबसेंट होते हैं, यानी उसकी संख्या जीरो। तो तीन तरह का मेन इसमें क्लासिफिकेशन हो गया है, पॉलीन्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम, ओलिगोन्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम और एन्यूस्टिक ट्रैकियल सिस्टम। अब पॉलीन्यूस्टिक सिस्टम है ये भी तीन टाइप का होता है, एक तो होलोन्यूस्टिक, एक पेरीन्यूस्टिक, एक हेमीन्यूस्टिक। पॉलीन्यूस्टिक जो सिस्टम होता है इसमें 10 स्पाइरिकल फंक्शनल्स हैं, 10 स्पाइरिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक मेजोथोरेक्स में, एक मेटाथोरेक्स में, और
एब्डोमन के स्टार्टिंग के 8 सेगमेंट में। पेरिनोस्टिक में 9 स्पाइरिकल्स होते हैं, एक मेजोथोरेसिक सेगमेंट में, 8 एब्डोमिनल सेगमेंट में। और हेमिनोस्टिक है, इसके अंदर 8 स्पाइरिकल्स हैं, एक मेजोथोरेक्स में और एब्डोमन के 7 सेगमेंट में। तो यहाँ पर होलोनिस्टिक जो सिस्टम होता है ये बीबियोनेट लार्वी के अंदर जैसे पाया जाता है। पेरिनोस्टिक सिस्टम होता है ये सिसिडोमाइड लार्वी में पाया जाता है। और हेमिनोस्टिक सिस्टम होता है ये माइसिटोफिलिड इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर स्पाइरिकल की संख्या 8 से ज़्यादा होती है, इसलिए इस सिस्टम को पॉलीन्यूस्टिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो है ऑलिगोन्यूस्टिक, इसमें एक अथवा 2 जोड़ी स्पाइरिकल है वही फंक्शनल होते हैं। और ये सिस्टम भी 3 प्रकार का होता है, एक तो एम्फीन्यूस्टिक, एक मेटान्यूस्टिक, एक प्रोन्यूस्टिक। एम्फीन्यूस्टिक में 2 स्पाइरिकल्स होंगे, एक मेजोथोरेक्स में, एक एब्डोमन के पहले सेगमेंट में। मेटान्यूस्टिक में 1 स्पाइरिकल होगा एब्डोमन के पोस्टीरियर सेगमेंट्स में। और प्रोन्यूस्टिक में 1 स्पाइरिकल्स होते हैं मेजोथोरेसिक सेगमेंट में। तो यहाँ पर एम्फीन्यूस्टिक सिस्टम जो होता है ये साइकोडिड लार्वी में पाया जाएगा। मेटान्यूस्टिक सिस्टम होता है ये क्यूलिसिड लार्वी में पाया जाता है। और प्रोन्यूस्टिक सिस्टम जो होता है ये डिप्टेरस प्यूपी में पाया जाता है। इसी तरह एन्यूस्टिक जो होता है, ए मीन्स एब्सेंट, इसमें फंक्शनल स्पाइरिकल्स हैं वो 0 हैं। और इस तरह का जो सिस्टम होता है ये काइरोनोबिड लार्वी जो होते हैं, काइरोनोबिड इंसेक्ट के उनके लार्वा में पाया जाता है। तो ये एक नटसेल में अपना टेरेस्ट्रियल सिस्टम। अब इस सिस्टम में एक्वेटिक इंसेक्ट में रेस्पिरेशन कैसे है उस पर एक अलग से मैं व्याख्यान आपको डिलीवर करूँगा। और इसके अलावा जो परजीवी इंसेक्ट जो हैं, एंडोपैरासिटिक इंसेक्ट, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रहते हैं और बॉडी के अंदर रहते हैं फिर भी उनके अंदर श्वसन क्रिया है वो संपादित होती है, क्योंकि वो एवायवीय प्रकार के नहीं होते। तो एंडोपैरासिटिक इंसेक्ट में रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म होता है उस पर एक अलग से एक शॉर्ट में व्याख्यान बनेगा। तो आज का इस सिस्टम का ये नटसेल में ये बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में मैंने आपसे शेयर किया है। और इसकी समरी है वो एक बार मैं आपको फिर मैं एक रिपीट कर देता हूँ। वर्टिब्रेट्स की तरह इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 2 बातों में डिफरेंट होता है। एक तो इसके अंदर कोई ब्लड पिगमेंट्स नहीं होते हैं ऑक्सीजन कैरियर के लिए, और यहाँ पर ब्लड मैन है वो मिडिल मैन की भूमिका नहीं निभाता है। इस सिस्टम में 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक तो ट्रैकी है, इसके बाद ट्रैकियल्स हैं, ईयर सैक है, स्पाइरिकल्स हैं। और ये जो सिस्टम बनता है स्किन के इन्वेजिनेशन से बनता है। तो जिस तरह स्किन में बाहर क्यूटिकल होती है इसमें भीतर क्यूटिकल मिलेगी, लेकिन जो जो आगे ब्रांचिंग होती जाएगी, री ब्रांचिंग होती जाएगी, उनका डायमीटर कम होता जाता है और क्यूटिकल जो है वो इंटायरली एब्सेंट हो जाती है। ईयर सैक है वो स्पेशल डायलेटेड स्ट्रक्चर है, और विशेषकर जो फास्ट ब्रीदर होते हैं, फास्ट फ्लायर होते हैं, एक्टिव फ्लायर होते हैं, जिनके अंदर कोई स्टोरेज जैसे होता है पर्टिकुलर, उस केस में इनके अंदर ईयर सैक है वो डेवलप हो जाता है। और स्पाइरिकल जो है वो सिंपल टाइप के होते हैं, 80 टाइप के होते हैं। 80 टाइप पे भी 2 तरह के होते हैं, लिप टाइप के और वॉल टाइप के। और स्पाइरिकल को खुलने और बंद करने के लिए मसल्स होती है, ओपनर मसल्स, क्लोजर मसल्स। और इन मांसपेशियों का नियंत्रण जो होता है वो अपने अपने सेगमेंट्स के गैंग्लियंस के द्वारा होता है। और स्पाइरिकल की संख्या की बेसिस पे ये इनका क्लासिफिकेशन है, पॉलीन्यूस्टिक, ओलिगोन्यूस्टिक, एन्यूस्टिक। पॉलीन्यूस्टिक भी 2-3 तरह के हैं, होलोन्यूस्टिक, पेरिन्यूस्टिक, हेमिन्यूस्टिक। इसी तरह ओलिगोन्यूस्टिक भी 3 तरह के हैं, एम्फीन्यूस्टिक, मेटान्यूस्टिक और प्रोन्यूस्टिक। और एन्यूस्टिक ए मीन्स एब्सेंट। तो एन्यूस्टिक सिस्टम है ये काइरोनोमस के जो लार्वा है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये एक नटसेल में आज का ये मेरा व्याख्यान, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट। और अंत में मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आप सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। और हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।